आज लोकसभा चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सर्वे में इस पार्टी को नुकसान। देश में लोकसभा का चुनाव साल 2024 में होगा। इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे को टाइम्स नाउ, नव भारत और ईटीक्यू ने कराया है। इस सर्वे में ये पता लगाया गया है कि आज अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त एकनाथ शिंदे, शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की गठबंधन सरकार है। महाराष्ट्र में इससे पहले एमवीए गठबंधन की सरकार थी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम थे। सर्वे में लोगों से ये सवाल पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में किस पार्टी की कितनी सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर एमवी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी को 18 से 22 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 102 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। देश में अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में थोड़ा वक्त है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में नेताओं की एंट्री और बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और महाविकास अघाड़ी ने अपनी कमर कस ली है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है।